सूरदास के पद के आज हम सारांश कर रहे हैं, जो पाठ का सार है वह बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसके सार में यह आता है कि चार पद हैं और सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास जी ने ये लिखे थे और सूर सागर एक पुस्तक का नाम है जिसमें एक भाग है भ्रमर गीत, वहाँ से ये पद लिए गए हैं चारों पद। इन पदों में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है, यानी कि गोपियाँ और उद्धव जी जो योग का संदेश लेकर के आए थे वो क्या बातचीत करते हैं वह इसमें बताया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते हैं और उद्धव जी के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं यानी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से गोपियों को समझाया जाए, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं। गोपियां किस में विश्वास करती हैं कि ज्ञान से उन्हें कोई मीनिंग नहीं है, उन्हें तो अपने प्रेम से मतलब है, तात्पर्य है। और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं और उनके व्यंग्य का शिकार भी होना पड़ता है। इसमें हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार है, यानी जिसका कोई और छोर ही ना हो, और बेजोड़ भी है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को उल्हाना दे रहे हैं और खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का, यानी वियोग क्या होता है, किसी से अलग होने का दुख का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। उनके बिछुड़ने का संदेश कौन लेकर आया है? उद्धव ही लेकर के आए हैं। और अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है, यानी राजा जो हो उसका कर्तव्य क्या है, उसका दायित्व क्या है, कि वह प्रजा का हित सोचे, उसकी भलाई के बारे में बात करे। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है, इसलिए वो तरह तरह के तर्क देती हैं और साथ ही उल्हाना भी देती हैं और अपना सर्वस्व कृष्ण को बताती है। कृष्ण को कहती है कि उनके कारण ही उन्होंने अपनी लोकलाज भी गंवा दी है। यह है इन चार पदों का सारांश। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, साथ ही बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं उनके लिए भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।